हेलो दोस्तों, मैं अंकित वर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंकित वर्मा फिटनेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको वजन बढ़ाना है या घटाना है तो आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। कैलोरी का फंडा जाने बिना आप अपने वजन को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो वजन को बढ़ाने या घटाने के लिए कैलोरी के फंडे को जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको कैलोरी का फंडा नहीं पता है तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, आपकी कोशिश नाकामयाब ही रहेगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए वजन बढ़ाने या घटाने के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। एक स्वस्थ पुरुष को अपने वेट को 33 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जितना आए उतना कैलोरी आपको लेनी चाहिए। जैसे कि आपका वेट 50 किलो है तो आप उसको 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आता है उतनी कैलोरी आपको लेनी चाहिए। और अगर हम एक महिला की बात करें तो महिला को अपने वेट को 30 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे कि आपका वेट 50 किलो है, अगर आप उसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 1500 आएगा, तो आपको 1500 कैलोरी लेनी चाहिए रोजाना, एक दिन की बात कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है वजन बढ़ाने या घटाने का फंडा। तो आप अब तक जान ही गए होंगे कि आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। मान लो आप 2000 कैलोरी लेते हैं और आपको वजन बढ़ाना है तो आपको 1500 कैलोरी ही खर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि आप 2000 कैलोरी लिए, 1500 कैलोरी खर्च किए, जो 500 कैलोरी बचता है, ऐसे 500 कैलोरी आप बचाकर हफ्ते में 1 से 2 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वजन कम करना है तो आप जैसे 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो आप 2500 कैलोरी खर्च करें। जैसे 500 कैलोरी आप रोजाना ज़्यादा खर्च करेंगे तो एक हफ्ते में आप 1 से 2 किलो वजन कम कर सकते हैं। और एक हफ्ते में 1 से 2 किलो वजन से ज़्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो आपके सेहत पर नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो। तो छोटी सी प्यारी सी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।